महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ विश्वविद्यालय में लगातार दूसरे वर्ष छात्र छात्र चुनाव के लिए आंदोलनरत हैं। विश्वविद्यालय के छात्र पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। 7वें दिन इस धरनास्थल पर ही छात्रों ने कुलपति की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन पूजन किया। इस दौरान उनके साथ विश्वविद्यालय के छात्रों और छात्राओं ने साथ दिया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद सभी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और कहे अनुसार दोपहर 2 बजे से आमरण अनशन पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने हमसे 2 बार वार्ता की, पर वो हमें सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, पर हम अपना हक लेकर रहेंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्र चुनाव करवाना पड़ेगा। हवन कर रहे राज सिंह यादव ने बताया कि आज 7वां दिन है, हम यहीं बैठे हैं और अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में छात्र संघ को बंद कर दिया गया है, उसे खुलवाने और छात्र संघ का चुनाव करवाने के लिए हम लोग आज 7वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ऐसे में हमने कुलपति के बुद्धि शुद्धि का हवन पूजन किया है, इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ किया, ताकि हमारा जो आमरण अनशन दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाला है उसके लिए बजरंगबली हम सभी को शक्ति दे और हम बिना अपने और जल के अपनी लड़ाई को लड़ सकें। छात्र नेता आशुतोष तिवारी हर्षित ने बताया कि हम लोग दिन रात इस ठंड में छात्र संघ के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन हमें गोला दे रहा है, कहता है कि आपको प्रमुख सचिव से मुलाकात करवाएंगे, धरना समाप्त कर दीजिए, विश्वविद्यालय के हित में काम करिए। 2 साल से छात्र बार बार आंदोलन कर रहे हैं और प्रशासन छात्र संघ की तिथि तय नहीं कर पा रहा है। आज हम सभी ने हवन पूजन के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया है, ताकि हमें शक्ति मिले और हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। हर्षित ने कहा कि यह चंद्रशेखर आजाद जी की बगिया है, हम शरीर में जब तक रक्त की एक भी बूंद है हम हटेंगे नहीं, डिगेंगे नहीं और अपना हक लेकर ही उठेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ शुद्धि बुद्धि का हवन किया गया और हनुमान चालीसा पढ़ के छात्र संघ की रक्षा के लिए हनुमान चालीसा भी पढ़ा गया है। क्या मांग करते हैं आप? हमारी एक मांग है कि सिर्फ और सिर्फ छात्र संघ की बहाली, और जो हमारे कुलपति जी हैं, यहाँ के अधिकारी हैं, बस छात्रों को गोला देने पे तुले हुए हैं, एक भी बातों का जवाब ना दे रहे हैं ना कुछ। अगर छात्र संघ की बात इनसे कर दिया जाए तो इनके मुंह में दही जम जा रही है। हमसे मुख्य सचिव से मिलने की बात कहे, अपने गए लखनऊ होके आ गए, अभी तक मुख्य सचिव से मिलवाने की बात पे नहीं टिके हुए हैं हम लोग। हमारी मांगे हैं कि जब तक छात्र संघ बहाल नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, और आज 2 बजे से हम लोग आमरण अनशन पे हो जाएंगे और ये अनिश्चितकालीन आमरण अनशन रहेगा। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाएंगी तब तक हम लोग आमरण अनशन पे रहेंगे।